यही चीज फायदा है कि छत्तीसगढ़ में सुबह 5 बजे लेबर सब आ जाता है, बॉडी मत देखा। यहाँ से काम करने पड़ेगी सर, ये बस ठाकुर जी सर। सबसे बड़ी बात तो नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का अभी 8 बज रहा है और पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हमने राजनगर का माल था, तो राजनगर तो खैर रात में काफी गाड़ी चलाए थे वहाँ पे, तो रात में करीब 3 बजे यहाँ आ गए थे, यहाँ पे सो भी गए थे। तो सुबह सुबह खैर जिनका माल हुआ तो हमको फोन भी कर रहे थे सुबह 5 बजे से, तो नींद से हमको पता नहीं चला था, तो लेबर आके उठाया तब मालूम चला, तो आके गाड़ी भी लगा दिए। तो छत्तीसगढ़ में एक चीज फायदा है कि 5 बजे सुबह लेबर सब आ जाता है खाली करने के लिए, भले शाम को 5 बजे बाद नहीं मिलेगा लेकिन सुबह 5 बजे जरूर मिल जाएगा। तो देखिए मेरा गाड़ी अभी खाली हो रहा है और चलिए दिखाते हैं कितना खाली हुआ है। मेरा गाड़ी भी लगा हुआ पॉइंट पे, ये देखिए लगभग खाली हो ही गया, लगभग मेरा गाड़ी खाली हो ही गया है। यहाँ पर देखिए यही चीज फायदा है कि छत्तीसगढ़ में सुबह 5 बजे लेबर सब आ जाता है, बॉडी मत देखा। देखिए यही साहब का माल लेके आए हम लोग और सुबह से 5 बजे से कॉल कर रहे थे आप। चलिए वो तो सो गया था इसके लिए नहीं पता चला था। अभी अभी नोटी कितना बजे खुलेगा? 1 बजे। 2 बजे यहाँ से नोटरी भी खुल जाएगा, तो नोटरी से बाहर भी निकल जाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी कि आगे फिर जाकर लोडिंग वोडिंग देखना हमको। दोस्तों अभी करीब 2 बजे के 11 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी खाली हो गया, तो अभी इंतजार करना है नो एंट्री खुलने का। नो एंट्री यहाँ से 2 बजे खुलेगा, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे निकल पाएंगे। और माल भी हमारा बात हो गया है कहीं लोडिंग का, कहाँ का? कोलकाता। हमारा कलकत्ता का बात हुआ है और हमारे साथ में गाड़ी और है, तो वो भी बोले कि चलते साथ में कलकत्ता हम लोग, ठीक अच्छी बात है। तो यहाँ 2 बजे नो एंट्री खुलेगा यहाँ से, तो 2 बजे यहाँ से निकलेगा नो एंट्री, उसके बाद सीधा लोडिंग पॉइंट में जाएंगे, तो आज हमारा लोड भी हो जाएगा, तो कल संडे है। गाड़ी तो दोस्तों हमारा यहाँ पे खाली हुआ था और गाड़ी अभी यहाँ साइड में करके लगा दी है और भी यहाँ पे गाड़ी है देख सकते हैं, तो ये सब नो एंट्री खुलेगा उसके बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बिल्टी को कुरियर करने के लिए, ये कुरियर कर देंगे फिर बाकी का जो आगे का पैसा रहता है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए भैया के साथ में जा रहे हैं। कुरियर करना था क्या? दोस्तों अभी हमारा कुरियर हो चुका है, अब वो हमारा जब तक बिल पहुंचे 2-3 दिन में, तो हमारा जो पैसा बचा हुआ है वो भी वो मिल जाएगा वापस हमको। तो ये सब चीज हम लोग ढूंढते हैं, शहर में जब आते हैं तो जरूर ढूंढते हैं कि कुरियर वाला कहाँ कुरियर जाकर करना है। तो अभी प्लानिंग हुआ हम लोग का कपड़ा लेने के लिए शॉपिंग सेंटर जाने वाले हम लोग, तो भैया जी साथ में है, तो भैया जी अपना खुद बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मैं यशवंत साहू भिलाई में आए हुए सर, दुर्ग आए हुए, और हमारा भिलाई टाइम्स करके एक न्यूज चैनल है सर यूट्यूब में, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहता है। और भी 2 दिन पहले ही परसों गोल्डन बटन और सिल्वर बटन आया है, दोनों एक साथ आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और अभी देखो आप गोल्डन बटन के साथ आप भी आ गए, हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि राजेश सर आएंगे, राजेश जी आएंगे तो कभी इंटरव्यू लेंगे, तो गाड़ी में संगवारी हमारा शो चलते हैं उसमें लिए, और यहाँ के शहर के सबसे बड़े थोक कपड़ा मार्केट जाएंगे। ऐसा जगह जाना है कि वहाँ के बाद दोबारा कहीं ना जाए, मुझे लगता है एक ही जगह की समय भी कम है, एक ही बार में सब हो जाएगा, मतलब देखोगे डन करोगे आप। चलिए ऐसा ही चाहिए क्योंकि हमको गाड़ी निकालना भी है, नोटरी खुलने वाला है, तो आपको दूल्हे वाला ले चलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छी प्रीमियम शॉप दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत मेरे मित्र है वो, उनके यहाँ ले चलते हैं आपको। चलिए तो ठीक है दोस्तों अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से। दोस्तों अभी आए हुए दुकान पे कपड़ा लेने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है क्या मिलता है, अच्छा जचेगा जब लेंगे। अभी तुरंत पहनना है, आज की कल का है, लेके रख लेते हैं, कल सूट करना है हम लोगों, कल सूट है हमारा, मैं आज शाम तक दे दूंगा। क्या ये करना है? कम करने पड़ेगी सर, ये बस जो आपका लेंथ ज्यादा लग रहा है ना उसको कम करने पड़ेगा, तो अच्छा लगता है वो तो बस सही। आप भी बोलोगे कुछ? आजकल जो ड्राइवर होते हैं वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, उनके रोड सेफ्टी को लेके आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को, ड्राइवरों को स्पेशली? देखिए सबसे बड़ी बात तो नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अगर ऐसा कहीं मौका आ गया है कि आप दारू अगर किए हुए नशा किए हुए हैं तो गाड़ी तो लगा देना चाहिए होटल पे पम्प में कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन गाड़ी दारू पी के नहीं चलाना चाहिए, ये बहुत ही घटना हो सकता है रोड में। कई बार ऐसा मिस्टेक होता है कि ड्राइवर तो ऐसे ही थोड़ा सा बदनाम है ही है कि दारू की गाड़ी चला, कुछ भी हो अगर नहीं पिए हुआ रहता तो लोग दूसरा देखने वाला जो पार होकर जाता तो वो ये चीज जरूर बोलता है कि दारू पी के मार दिया होगा। हाँ, लेकिन पहली गलती पहले ड्राइवर का गलती थी निकलता है, तो ये तो हम जितने भी ड्राइवर भाई हमारा देख रहे हैं सबको ये कहना चाहेंगे कि नशा करके कोई भी अच्छी गाड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी हो, ये नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए।
हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, और जो ट्रक चालक जो नशे के में वाहन चलाते हैं वो भी नशा ना करें। और आपको ऐसा लगता है कि आप नींद में हैं, नींद में भी काफी एक्सीडेंट होता है, बरसात में ब्रेकडाउन होता है, इसका कारण क्या है और उसमें उस समय क्या करना चाहिए? अगर रोड पे गाड़ी ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि मेन हाईवे पे खड़े हैं, तो अगर वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसका सबसे पहले रात के समय में पार्किंग लाइट जलना जरूरी है। पार्किंग लाइट आप जला के रखना रोड पर के, कि दूर से दिखता है कोई भी चीज़। एक तो आता है कि रेडियम आता है, वो रेडियम भी आप लगा सकते हैं, जिस दिशा में गाड़ी आने वाला है उस दिशा में आप रखिए, उसको लोगों को पता चलता है। पहले के समय में हम लोग के साथ भी ऐसा होता था, तो हम लोग जैसे झारखंड चंद्र कुहासा उठता था तो हम रोड में पत्थर रख देते थे, कुहासा दिखता नहीं था। तो कोई भी गाड़ी वाला था तो पत्थर जब चढ़ता था टायर पे ना, तो उसको लगता था कि हाँ आगे कुछ बात है, तभी पत्थर रख दिया है। क्योंकि इधर तो नहीं देखे हम, हमारे जो उधर झारखंड में ना बहुत ज्यादा कुहासा होता है। आप लोग कुहासा क्या बोलते हैं? कोहरा। वो बहुत ज्यादा, इतना से इतना नजदीक नहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये सब हम लोग सेफ्टी के लिए करते थे कि पत्थर वाला मेरे साथ हुआ है, मेरा गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ रख देते थे, तो फिर लोग जाने अगर वो नहीं रखेंगे तो मेरे पीछे आके मारेगा। तो ये सब सेफ्टी रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ आए थे, एक कुर्ता बहुत अच्छा लगा हमको, तो ले लिए यहाँ पे कुर्ता और काफी पसंद आया। थोड़ा यहाँ पर साइज भी छोटा बड़ा जो करना है वो करा सकते हैं। अभी नोंटी का भी समय हो गया, नोंटी खुल चुका है तो वो बाहर निकलना भी है, तो चलते हैं क्योंकि नोंटी खुल गया। अभी हम कपड़ा लेके निकलेंगे यहाँ से और सीधा रायपुर लोडिंग पॉइंट पे जाने वाले हैं। दोस्तों हम कपड़ा ले चुके हैं, देख सकते हैं पूरा बैग मेरा भर गया है, अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है। नोंटी खुल गया होगा? हाँ खुल गया, 4:30 तक है। यही ऑनर है सर, बहुत अच्छा लगा, आएंगे दोबारा भी पक्का पक्का। अब हमारे क्या है, घर तो बन गया और लगभग शादी का लाइन लगने वाला है, तीन तीन आएंगे कपड़े लेके जाएंगे। यहाँ पे दूल्हे बनते हैं, देख रहे सारा चीज का व्यवस्था है। दोस्तों हमारा शॉपिंग हो चुका है और हम आ गए गाड़ी पे और निकल भी गए यहाँ से। तो हम एक सस्पेंस था कि पता नहीं दोपहर का नोटी का समय जो है वो पता नहीं चल रहा था कि कितना से कितना है। तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमें DSP साहब भी मुलाकात हो गए उनसे और उनसे भी जानकारी मिली है यहाँ कि 1:30 बजे आपको नोटी खुलेगा और शाम को 4 बजे तक। तो 1:30 से 4 जो है आप आना जाना कर सकते हैं इसमें। हमारे जितने भी देखने वाले हैं ट्रक लाइन से, उनको बता दें कि दुर्ग बिलाई अगर आना है, दुर्ग का बिलाई तो खैर बाहर में ही है, तो दुर्ग अगर आना है सिटी के अंदर आना है तो 1:30 बजे पक्का नोटी खुल जाता है और 4 बजे फिर लग भी जाता है, उसी बीच में आना जाना कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा लोडिंग का भी बात हो गया और हम रायपुर जा रहे हैं अभी, और कुरकुरा फैक्ट्री में हम जा रहे हैं लोडिंग के लिए जो धर्मधरी रोड पर है। दोस्तों ये दुर्ग सिटी है और काफ़ी सालों के बाद हम अंदर आए हैं, क्योंकि जब से ये बाईपास बना है तो अपना तो खैर माली बाहर का हो जाता था, बाहर निकल जाते थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है और कुछ मतलब याद भी आ रहा है कि पहले हम लोग चलते थे। तो पहले हम लोग का टारगेट रहता था नागपुर से चलने के बाद कि दुर्ग सिटी हम लोग का जो है मतलब सुबह सुबह पार कर जाओ या फिर रात में ही पार कर जाओ, क्योंकि ट्रैफिक भीड़ भाड़ सिंगल बत्ती वो सब चीज़ से हम लोग गाड़ी वाला थोड़ा दूर ही रहते हैं, तो उसके लेकर के हम चाहते हैं कि फांका हम निकल जाएं। तो देखिए आज बहुत साल बाद हमको याद आ, पहले इतना चौड़ा भी नहीं था, अब तो खैर इतना चौड़ा भी हो गया, पहले तो चौड़ा भी नहीं था इतना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर गुरुद्वारा के पास में एक सिंगल पुलिया था, वहाँ पर सिंगल गाड़ी पार होता था, दोनों तरफ ट्रैफिक वाला रहता था खड़ा, और वही जो है कि गाड़ी को छोड़ता था, कभी इधर से कभी उधर से, कई बार लंबा लाइन लग जाता था। तो दो जाम था यहाँ पर, एक वो सिंगल पुलिया और एक रेलवे। रेलवे का क्या था कि मेन लाइन है वो, उसमें क्या होता था कि जाम लग जाता काफ़ी ज़्यादा, लाइन पहुँचते पहुँचते फिर फाटक बंद। तो अब क्या हो गया कि वहाँ पर ब्रिज बन गया है और कोई ऐसे तो खैर हम लोग का आना जाना ही बंद हो गया इधर। अब जो है समय भी बच रहा है और फाटक बंद होने का भी लफड़ा नहीं है, तो अभी हम भी चढ़ने वाले उस ब्रिज पे, तो आपको वो ब्रिज दिखाते हैं। दोस्तों जिस ब्रिज की भी बता रहे थे हम, देखिए ये बोर्ड भी लग गया है। और यहाँ पर से क्या है कि पहले इतना हम लोग मतलब कि तीन घंटा चार घंटा जाम में फंसे रहते थे, तो अब वो समस्या नहीं रहा। आप देख सकते हैं ब्रिज पे जा रहे हैं हम लोग, रेलवे लाइन जो है नीचे रह जाएगा और हम ऊपर से पार हो जाएंगे। अभी नोटी खुल गया है, देखिए सभी गाड़ी सभी जा रहा है, तो हम भी लगे हुए हैं और थोड़ा सा जल्दी में है। थोड़ा सा अगर कल संडे नहीं रहता कोई बात नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए समय बचा रहे हैं हम कि आज हमारा अगर लोड हो जाता है तो बहुत, एक ड्राइवर को क्या चाहिए, जिस दिन खाली किए उस दिन लोड हो जाता है ना, तो सभी को बहुत आनंद आता है, मन खुश हो जाता है कि हाँ भाई आज ही खाली किए आज ही लोड किए। दोस्तों अभी हम टाटी बांध में रुके हुए हैं और हमारे देख ही रहे हैं, हमारा सेठ जी भी है, हमारा ट्रांसपोर्टर भी है, तो शर्मा जी यही है, और जैसे मेघालय स्टी जो देखते हैं वो इन्हीं का ट्रांसपोर्ट का नाम है।
तो हमारे गाड़ी में लिखा हुआ है, तो आप लोग भी जानते हैं पुराने सब्सक्राइबर लोग हमारे, इन्हीं से हम गाड़ी लिए थे और लेके चला रहे हैं। तो अभी हमारा माल क्लियर है, माल क्लियर है, अभी लोड हो गया ना, खाली हुआ, अभी लोड हो जाएगी। हाँ तो अभी इसीलिए हम भी थोड़ा सा रुके नहीं, थोड़ा जल्दी में थे, जल्दी जाओ निकल जाए, कल संडे है। चलिए ठीक है, आते लोड करके। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग फैक्ट्री तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी गाड़ी हम लोग अंदर नहीं लिया गया है, एक घंटा करीब हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार पांच गाड़ी और दिख रहा है, देख सकते हैं उधर पीछे भी और इधर भी। दोस्तों अभी गाड़ी के पीछे साफ कर रहे थे पूरा, इतना गर्मी बहुत ज्यादा, पूरा पसीना पसीना हो गया। ये देखिए सब कुछ साफ कर दिए, मतलब झाड़ दिए, बहुत ज्यादा गंदा था यहाँ फैक्ट्री में। क्या है कि गाड़ी के अंदर गुटखा का पैकेट जो लेबर लोग चढ़ते हैं छोड़ देते हैं इधर उधर, वो सब नहीं होना चाहिए, तो वही सब हम उसको पूरा साफ कर दिए अच्छे से। और झाड़ू अभी क्या है गुम हो गया थोड़ा, इसलिए झाड़ के ही साफ किए, मतलब उठा उठा के, और झाड़ू रहता तो उसे और अच्छे से साफ हो जाता है। दोस्तों देखते हैं कब तक बुलाता है, तो उसी बीच में तब तक हम चाय पिका जाते हैं, तो चलते हैं चाय पीने के लिए। दोस्तों अभी चाय पीने तो आ गए हैं, और हम लोग का मनचाहा चाय दुकान है यहाँ, चाय तो अच्छा बनता है, इसलिए आते हैं, और हमारे सारे ड्राइवर भाई लोग साथी लोग हैं, तो सब यहीं पर मुलाकात। और सब ठीक है? सब बढ़िया। और सब राजेश क्या समाचार? बस बढ़िया चल रहा है। बाबू थोड़ा चाय पिलाओ। बाबू चाय लो। इसके बाद हम लोग मिलेंगे, थोड़ा बढ़िया से बनाएगा गरम। अभी तो हम दो लंबा ट्रिप करके आए। अच्छा अच्छा, तो आप लोग किधर चल रहे, कहाँ है? चल रहे भाई, गाड़ी खड़ा है कोलवारी में, चार दिन पाँच दिन लग जाता है, उधर जाओ उधर खाली नहीं होता है, और खाली हो गया तो लोडिंग नहीं मिल रहा है, बहुत पोजीशन खराब है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बरसात में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ज्यादा दिक्कत होता है, किस्ती नहीं जा पा रहा भाई साहब, क्या बोले आप? एक बात बताए आप लोग को, आप हमारा गाड़ी तो कभी खड़ा नहीं होता है, चाहे बरसात हो या गर्मी हो या ठंडा हो। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग वहाँ कैब कभी यूज नहीं करते हैं? वहाँ कभी से सुना ही नहीं, कभी जानकारी नहीं भाई। आइए आप लोग बताते हैं वहाँ कैब के बारे में। देखिए देखो यहाँ, जिस जिसको ट्रक की डिलीवरी की जरूरत होती है वो अपना काम पोस्ट करती है, कहाँ से कहाँ जाना है और कौन सा सामान है और कितना सामान है। देखो ये सब जो माल है इसमें अपने हिसाब से बोली लगाना है। अच्छा, अच्छा। कि मतलब हमको कितना भाड़ा चाहिए वहाँ का, तो अपना जो भाड़ा जचेगा उस हिसाब से बात होगा आगे, तो उस हिसाब से जो अगर अपना जचा तो भाई हम डन किए, उस हिसाब से हम बोली लगाते हैं। और उसके बाद काम पोस्ट करने वाले को अगर किराया पसंद आ गया, जच गया, तो जिसके साथ जचेगा उसको वो काम लोडिंग मिल जाएगा। हमको तो इतना काम मिल रहा है कि हमको फुर्सत नहीं है। राजन भाई इतना अच्छा है, आज तक हमको बताया का है नहीं, इतना बार आते हैं लेकिन एक बार भी हम लोग को नहीं बताया। अरे भाई देखिए, हमारा जो ब्लॉग है आर राजेश ब्लॉग, आप उसको फॉलो कीजिए। अच्छा। ये और इससे भी अच्छा चीज हम ब्लॉग में बताते ही रहते हैं। अच्छा। राजेश भैया हमको वहाँ कैब के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू भाई, अगर आप लोगों को भी किसी को भी लोडिंग का समस्या है तो वहाँ कैब जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों अभी करीब शाम के 6:30 बज चुके हैं, राजा के अच्छा हुआ कि हमारा गाड़ी अभी लोग बुला रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आज हमारा गाड़ी लोड हो जाए, अभी तो अंदर बुला रहे हैं, डाला पूरा साफ कर दिया अच्छे से, अभी लोग चेक भी करेंगे, एक बार चेक करते हैं उसके बाद फिर अंदर जाने के लिए देते हैं, तो जा रहे हैं देखिए। दोस्तों गाड़ी तो लग गया हमारा पॉइंट पे, जैसे कि जिस टाइप का आज हम पका रहे थे खाली हो गया तो नोल्टी पार करना है, इसके चलते आज खाना भी छोड़ दिया हम लोग, खाना भी दोपहर का खाना नहीं खाए, ट्रैफिक वगैरह थोड़ा था ही, तो आते आते हमको 4 बज गया था, तो फिर खाना नहीं खाया हम लोग, हम कहते आई की बार आते हम खाएंगे, तो कोई भी चीज में अगर मेहनत करो उसका फल मिलता तो अच्छा लगता है। चलिए आज ही गाड़ी खाली हुआ, आज ही हमारा लोड भी हो जा रहा, तो ये भी सुन गचर क्योंकि संडे है, फिर दिक्कत हो जाता। दोस्तों अभी हमने गाड़ी तो लगा दी और करीब लग रहा है कि 1-2 घंटे में हमारी गाड़ी भी लोड हो जाएगा, तो चलिए वेट करते हैं, जैसे लोड होगा उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से और बाहर जाके पहले खाना वाना खाते हैं क्योंकि थोड़ा भूख भी लगने लगा है अभी। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है और हमारा गाड़ी लोड होकर खड़ा हो गया, हमारा गाड़ी और भी जितना गाड़ी था सब लोड हो चुका है, और यही लोग हैं कागज वगैरह सब देने वाले। कितना टाइम लगेगा कागज में? आधा घंटा मिल जाएगा। सब गाड़ी कलकत्ता ही जा रहा है? सब कलकत्ता, आज कम से कम 6 गाड़ी कलकत्ता का भरा हुआ है, आपका भी कलकत्ता जाते ही खाली हो जा रहा है। खाली हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये सब साथी लोग हैं, ये सब भी गाड़ी लेके आए हैं, इनका तो गाड़ी आज नहीं हुआ लोड, आपका नहीं हुआ, आज हो जाएगा बोल रहा है, आज हो जाएगा बोल के, अभी भी टाइम है होने का, टाइम है बोल रहा है। चलो सही बात, अगर आज हो जाए तो इनका भी बहुत अच्छा रहेगा, मिलेंगे रास्ते में फिर। हाँ, मुझे आगे पीछे, हाँ आगे पीछे करने के मिलते रहेंगे। तो इस बार हम लोग कलकत्ता जो जा रहे हैं तो काफी ड्राइवर पहचान गए, और एक बुजुर्ग ड्राइवर है जो अभी नहीं है, साइड में थोड़ा फोन में बिजी है, तो उनको भी हम आप लोगों को रास्ते में दिखाएंगे, वो भी हमारे दोस्त के पिताजी हैं, वो भी ट्रक चलाते हैं अपना ट्रक उनका। तो ठीक है दोस्तों, अभी इंतजार करें कागज का, फिर निकलेंगे यहाँ से।
दोस्तों पेपर हमको मिल गया और हम निकल गए हैं, और हमारा जो इस बार का जो सफ़र है हमारा वो रायपुर से कलकत्ता का है, उस बीच में उड़ीसा भी मिलेगा, थोड़ा सा झारखंड मिलेगा, और उसके बाद फिर अपना बंगाल में इन कर जाएंगे हम लोग। तो चलिए अच्छा है, काफ़ी दिन बाद हम कलकत्ता जा रहे हैं, और कलकत्ता पोजिशन अभी ठीक है, अभी माल उनका बताए तो हमको चलो सब भर लेते हैं। और आज हम रात में आया, ज़्यादा रात तक गाड़ी चलाने नहीं है, 11 बजे तक चलाएंगे गाड़ी, क्योंकि दो दिन से दो चक्कर से हमारा जो है नींद ठीक से पूरा नहीं हो रहा है दो बार से, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं पहले कहीं पर जा करके खाना खा कर सोएंगे, फिर वहाँ सुबह उठ के अपना दिन दिन का सफ़र इधर पूरा दिन दिन ही चलना है। दोस्तों अभी तो गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और तो बहुत ही अच्छा होटल मिला, जगह भी अच्छा है, गार्ड है, दरवाजा में सब चीज़ है, तो आगे खाना खाने लगे, खाना खाते हैं, ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ा समय लगता है, वो लेके आएगा खाना खा के यहीं पर हम सोने वाले हैं। दोस्तों खाना तो खा लिए, बहुत ही अच्छा लगा खाना, और दूसरी बात क्या है कि कभी रात जगह गए थे तब थोड़ा नींद भी आ रहा है, और रात के 12 बज चुका है, तो चलते सोने के लिए। तो ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको हमारा कलकत्ता का सफर का, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, जय हिंद दोस्तों।